आइए आज कुछ पजल्स के बारे में करते हैं, कुछ पहेलियाँ के बारे में बात करते हैं। उससे पहले वेलकम टू आवर डिजिटल्स क्लास। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे डिजिटल्स क्लास में स्वागत है। तो आज का पजल में क्या रखा हुआ, एक तरफ से ये पहेली कह लीजिए या एक तरफ से आप जीके का क्वेश्चन कह लीजिए, क्योंकि पहेली हो या जीके का क्वेश्चन, जब तक आपको सही आइडिया नहीं पता रहेगा, सही अप्रोच नहीं पता रहेगा, तब तक आप उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो आइए देखते हैं कि इसका पहली में या आप कहिए जीके का क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन रखा हुआ है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ जरूर बने रहिए और अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा हुआ है, वह कौन सी चीज़ है जिसे आप अंधेरे में तो देख सकते हो मगर रोशनी में नहीं। मतलब कहा जा रहा है कि अंधेरा में आप देखिएगा लेकिन रोशनी में नहीं देखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप खुद सोचिए। आपको हम सोचने के लिए समय दे रहे हैं, आप खुद सोचिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स पर जरूर टाइप करके बताइए सर यह आंसर होगा। आई होप आप सोच लिए होंगे, कमेंट बॉक्स पर जरूर टाइप कर लिए होंगे। तो अब हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अंधेरा को। अंधेरा एक ऐसा चीज़ है, ऐसा वर्ड है जो सिर्फ आप अंधेरा को अंधेरे में ही आप देख सकते हैं, रोशनी में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सवाल का आंसर आपको मिल गया हो। अब हम आपके साथ एक सवाल को शेयर करते हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप जरूर इसको टाइप करके भेजिएगा। आज का सवाल क्या रहा आपके लिए, आज का सवाल है कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। आज का सवाल, अगर आप एक अंधेरे कमरे में, ठीक है, आपको क्या है, एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया और आपके पास सिर्फ एक माचिस की तिल्ली है, एक ही माचिस का पूरा पैकेट नहीं बल्कि उसमें एक ही तिल्ली रखा हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या जलाओगी। ठीक है, मतलब आप क्या जलाइएगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप अखबार को जलाइएगा कि मोमबत्ती को जलाइएगा, माचिस को जलाइएगा या दीपक को, इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर इसका टाइप कीजिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट बॉक्स पर जरूर टाइप करके बताइएगा, ताकि हम इस टाइप का जीके का क्वेश्चन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहें और आप हमेशा एक्टिव रहें। क्योंकि देखिए, जीके एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा, अगर उसको आप स्टडी कीजिएगा, हमेशा किसी के साथ बातचीत कीजिएगा, हमेशा उसको आप पढ़ते रहिए तो बहुत ज़्यादा याद रहेगा। और वीडियो को अगर पसंद लगे तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर आप शेयर करना चाहते तो हमारे वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर में जरूर आप शेयर कीजिए। और यदि हमारे चैनल पर आप नहीं हैं तो ज़रूर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।